वेलकम टू बैचलर्स कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं कसूरी गोभी। इसके लिए सबसे पहले गोभी को आप काट के इसको विनेगर और नमक के पानी में भिगो के रख दें 10 मिनट के लिए। इससे क्या होता है, इसमें जो भी बैक्टीरियाज हों या कीड़े वीड़े हों वो सब मर जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। तो हमने इसको ऑलरेडी भिगो के रखा है, तो चलिए शुरू करते हैं। गैस ऑन करते हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल, ये नॉर्मल रिफाइंड ऑयल है। इसके बाद जैसा कि हमेशा कहता हूँ मैं कि तेल को अच्छी तरह से फैला लें ताकि जो भी आप बना रहे हैं वो इवनली कुक हो। जैसे ही तेल गर्म हो जाए तो इसमें हमें सीधे गोभी डालनी है जो कि हमने विनेगर और नमक के पानी में भिगो कर रखी है। तेल गर्म हो चुका है, चलिए अब इसमें डालते हैं हम ये गोभी के टुकड़े। गोभी डालने के बाद हम इसको स्टीयर कर लेंगे, अच्छी तरह से चला लेंगे ताकि इसमें तेल चारों तरफ लग जाए और गोभी इवनली कुक हो। तेज आंच पे ही पकाएं इसको थोड़ी देर। और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ तेल लग चुका है गोभी में। तो हम इसमें डालेंगे नमक। नमक डालने से क्या होता है कि गोभी अपना पानी छोड़ देती है, अपने जूसेस निकल जाते हैं कोई भी हरी सब्जी हो, जिससे उसकी कुकिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है। नमक डालकर एक बार फिर से इसको अच्छी तरह से चला लें। नमक भी इवनली स्प्रेड हो जाए। अब इसको हम ढककर धीमी आंच पर तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाएंगे, तब तक कि जब तक गोभी गल ना जाए। और इसको गोभी को एकदम नहीं पकाना है, थोड़ा क्रंच छोड़ना है। हाँ, बीच बीच में इसको खोलकर चलाते जरूर हैं। ये ढक दिया, गैस धीमी और अब इंतजार करते हैं 5 मिनट का। अब हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए देखते हैं गोभी की क्या पोजीशन है। ब्राउन कोटिंग आ गई है, यानी कि गोभी हमारी पक चुकी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको थोड़ा क्रंच रखना है, एकदम हलवा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्की हल्की ब्राउन कोटिंग आ जाए। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला जो कि हमने पहले बनाया था। इसके लिए ज़रूरी है कि आप यही वाला गरम मसाला यूज़ करें, तभी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है किसी कारणवश अवेलेबल, तो फिर आप बाज़ार में किसी अच्छी कंपनी का छोले मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अच्छा बनता है। इतना अच्छा नहीं बनता जितना इससे बनेगा। ये गरम मसाला इसमें चारों तरफ लपेट लें अच्छी तरह से चला के, जल्दी जल्दी थोड़ा। और चूंकि इसका नाम कसूरी गोभी है, तो ये इसमें ज़रूरी है कि हम कसूरी मेथी डालें। कसूरी मेथी, जैसा मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में कसूर एक जगह थी जहाँ की मेथी बहुत प्रसिद्ध थी, उसको लोग सुखा के रखते थे, सीजनल होती थी क्योंकि। और अब यह हाल है कि कोई भी सूखी मेथी को लोग कसूरी मेथी कहते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, अच्छी क्वांटिटी में आप डालें, अपने स्वाद अनुसार डालें। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका, इस गर्म मसाले का और कसूरी मेथी का। मेरे ख्याल से थोड़ी कसूरी मेथी और भी डाली जा सकती है, दिखनी चाहिए गोभी के ऊपर कसूरी मेथी दिखनी चाहिए। और ये अब गरम मसाला इसके अंदर हो चुका है, कसूरी मेथी की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब इसको हम ढक कर 1/2 मिनट के लिए और ढक देंगे ताकि ये गरम मसाला कुक हो जाए। वो ऑलरेडी कुक्ड रहता है और वो गोभी के अंदर तक पहुँच जाए धीमी आँच पर 30 सेकेंड, 1/2 मिनट, और आपकी कसूरी गोभी सर्व करने को तैयार। तो 1/2 मिनट हो चुका है, अब हमारी कसूरी गोभी सर्व करने को तैयार है। एक बार इसको और देख लेते हैं। हाँ जी,
बिल्कुल जैसा बनना चाहिए, हल्का क्रंच, थोड़ा सा ब्राउन कोटिंग गोभी पर। इसको आप एज ए स्टार्टर ले सकते हैं, एज मेन कोर्स ले सकते हैं, मल्टीपर्पज है। अच्छी तरह से आपकी ये गोभी तैयार है। चलिए इसको सर्व करते हैं।